الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم हाजरीन इकराम खवातीन हज़रात मेहमान गिरामी मेरे अजीज प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों बेटियों आप जिस जिद शौक से आप जिस सुकून से या सुई के साथ इतनी देर तक मैं जिस इंतजार में तशरीफ फरमा हुए आप एक फकीर दुनिया की आवाज सुन सकें एक आजीब और मिस्कीन बंदे की बातों को पजीराई बख्शे इसके लिए मैं पेश ही आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपने मकाले सुने सीरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निधत में नाते सुने रूहानी उलूम के बारे में आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ आप कल और आज में इतना ज्यादा सुन चुके हैं कि अब मजीद
कुछ सुनाने की गुंजाइश तो नहीं, लेकिन चूंकि आप आज इस फकीर बंदे से मोहब्बत करते हैं, मेरी आवाज आपके कानों में रस घोल देती है, मेरी जात जो बहुत कमजोर नातवां है, कोताहियों और गलतियों में बिथड़ी हुई है, आप उससे प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, उस सूरत को जिस सूरत में मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं आपको अपनी तरफ देखते हुए महसूस करता हूं तो मुझे आपकी आंखों में जल तरंग नजर आता है। बंदा कुछ नहीं होता, असल में सारा खेल बंदे नवाज का है। जब अल्लाह ताला किसी को नवाज देता है, उसके ऊपर इनाम और इकरामात की बारिश बरसा देता है, तो वो बंदा मखलूक की आंख का तारा बन जाता है। और वही बंदा जब अल्लाह ताला की पसंदीदगी में दाखिल नहीं होता तो वो कुछ भी कहता है कोई उसकी सुनता ही नहीं। बात बंदे की नहीं है, बात बंदा नवाज की है। मैं जब अपने मुर्शिद करीम हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और लुत्फो करम की मेरे ऊपर बारिश बरसी, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा है, मैं तो इस काबिल नहीं हूं। इसलिए कि हर आदमी खुद को जानता है या अल्लाह जानता है। तो जो मेरी कोताहियां, मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां जब थी, मैं उनसे भी वाकिफ था, अब जो है उनसे भी मैं वाकिफ हूं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये इतनी जो इनायात खुसरवाना है, इसकी वजह तो बजाय कुछ समझ में आती नहीं। बार बार जब इस ख्याल ने मेरे जहन को, मेरे दिमाग को जकड़ लिया और मैं इस मुसलसल और मुतवातिर आने वाले ख्याल से परेशान हो गया कि ये इनाम और इकरामात क्यों हो रहे, मैं तो इस काबिल नहीं हूं। कोई मैंने ऐसा काम भी नहीं किया, कोई ऐसी रियादत मुजाहिदा भी नहीं हुआ। हुज़ूर क़लंदर बाबा और रहमतुल्लाह की खास तर्ज फिक्र थी वो ये कि जब कोई बंदा कोई बात सोचता था और बार बार सोचता था, या वो परेशान हो जाता था किसी एक ख्याल से, तो वो उसका इजहार फरमा दिया करते थे। तो जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया और ये फरमाया कि भाई ये जो आपके जहन में मुसलसल ये ख्याल आ रहा है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूं, मैं तो इस काबिल नहीं हूं, तो
क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अल्लाह मियां ने तुम्हें नवाज कर कोई गलती की है? नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला ये नहीं देखता कौन किस काबिल है। अल्लाह ताला जब नवाजिश और इकराम करता है तो वो बंदा अज खुद इस काबिल हो जाता है। ये वही बंदा नवाज की बात है कि जिसको अल्लाह ताला तुझो बंदशाह जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे नवाज दे। कादिर मुतलक है, कोई अल्लाह पे कोई कानून तो लागू होता नहीं है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों के चाहने को बहुत अजीज रखता है। हुजूर कलंदर बाबा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के मखसूस बंदे हैं। जब उस मखसूस बंदे की नजर एक कोता अकल पर पड़ी तो चूंकि अल्लाह के मखसूस बंदे अल्लाह के दोस्त ने किसी एक बंदे को अपना नूर नजर बना लिया तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी उसको नूर नजर बना लिया। तो बात ये नहीं है किसने कितनी मेहनत की, कितने क्या मुजाहिदे किए, कितने चिल्ले किए, बात नवाजिश हुई ना। अब चूंकि पीरों मुर्शिद चाहते हैं तो इसलिए अल्लाह भी चाहते हैं। अब चूंकि अल्लाह चाहता है इसलिए अल्लाह के फरिश्ते भी चाहते हैं, और जब अल्लाह के फरिश्ते चाहते हैं तो सारी कायनात में मनादी कर दी जाती है कि ये एक ऐसा बंदा है जो कलंदर बाबा और यहां का मंजूर नजर है। लिहाजा उस इंस्पायरेशन से, उस इत्तला से आप सब लोग मुझे चाहते हैं। ये आपका चाहना दरअसल ताबे है मुर्शिद करीम। हुजूर कलंदर बाबा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, फरिश्तों ने चाहा, फरिश्तों ने चाहा, आपने चाहा। तो इस बात को मैं समझता हूं कि आप हजरात को मेरी जात से कुछ मिलता हो ना मिलता हो, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप मुझे प्यार जरूर करते हैं। अब चूंकि आप प्यार करते हैं लिहाजा मैं भी आपको प्यार करता हूं। तो जो कुछ आप सुन चुके हैं वो तो बहुत काफी है आपके लिए। अब चूंकि आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बयान करूं, कुछ देर आपके सामने बैठा रहूं, इसलिए चंद मारूजात आपके सामने पेश करूंगा। और वो बात याद मारूज एक ही है कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया। इंसान अगर इस दुनिया में और मखलूक की तरह आया तो फिर इंसान का इम्तियाज क्या है, इंसान का शर्फ क्या है, इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? जब आप इस दुनिया में आए अपनी मर्जी से नहीं आए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। कैसी अजीब बात है, आप अपनी मर्जी से दुनिया में आना नहीं चाहते, ये तो जेल खाना है। लेकिन जब आप इस जेल खाने में आ जाते तो अब वो मलकुल मौत कहता है कि भाई अब जेल खाने से तुम्हें निजात मिल रही है, अब आजाद दुनिया में चलो तो आप जाना नहीं चाहते। और अगर जाना चाहते तो आप मौत से डरते क्यों? ये अजीब कहानी है कि अपनी मर्जी से ना आ सकते हैं आप, ना अपनी मर्जी से आप जाना चाहते हैं, लेकिन
अपनी मर्जी के बगैर आपको इस दुनिया में आना भी पड़ता है और अपनी मर्जी के बगैर आपको इस दुनिया से जाना भी पड़ता है। तो ये आना जाना आखिर किस मकसद के तहत है? हर बाशूर आदमी कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर मेरी जिंदगी का मकसद खाना पीना माँ बाप बनना है तो ये खाना पीना माँ बाप बनना तो दूसरी मखलूकात के साथ भी है। अगर मेरी जिंदगी का मकसद मेहनत मजदूरी करके पेट का ईंधन फराहम करना है तो ये दूसरी मखलूक में कर रही है। अगर मेरी जिंदगी का मकसद दिन भर मेहनत और मुशक्कत के बाद रात को सो जाना है तो ये दूसरी मखलूक भी दिन भर मेहनत और मुशक्कत के बाद सो जाती है। अगर मेरी जिंदगी का मकसद आराम और आसाइश है तो दूसरी मखलूक भी आराम और आसाइश से बाहर नहीं है, उनकी अपनी जरूरियात हैं, अपनी जिंदगी के जितने उनके तकाजे हैं उसमें उन्हें आराम और आसाइश मिलता है। अगर जिंदगी का मकसद बीमार होना है और सेहतमंद हो जाना है तो ये आपकी मुशाहदात की बात है कि चौपाये भी बीमार होते हैं, दरख्त भी बीमार होते हैं, फूल भी बीमार होते हैं, पौधे भी बीमार होते हैं, परिंदे भी बीमार होते हैं, हशरात और नाज़ी भी बीमार होते हैं और फिर सेहतमंद भी हो जाते हैं। ये जितना आप जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको अपनी जात कहीं नुमाया नजर नहीं आएगी। अगर आप इसीलिए नुमाया है कि आप में अक्ल व शऊर ज्यादा है तो माफ कीजिएगा, शहद की मक्खी से ज्यादा तो अक्ल आपके अंदर नहीं है। साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए शहद की मक्खी जैसा घर नहीं बना सकती, शायद विवराम का बना सकता। अगर आपकी पैदाइश का मकसद महलात तामीर करना है तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक महलात तामीर करते हैं, दूसरी मखलूक अपनी जरूरत के मुताबिक घर बना लेती है। जब आप तजिया करेंगे अपना और हैवानात का तो आपको ये भी नजर आएगा कि बहुत सारी बातों में जानवर आपसे हिस में बहुत ज्यादा है। आपकी नजर जानवरों के मुकाबले में महदूद है, आपकी सुनने की हिस जानवरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा महदूद है। अब रही अकल की बात तो अकल कहीं आप में ज्यादा है कहीं जानवरों में ज्यादा है और फिर सारे इंसान अकलमंद भी नहीं हो जाते, इंसानों में भी अकल होते हैं, समझदार भी होते हैं, बेवकूफ भी होते हैं। अगर आपकी जिंदगी का मकसद उलूम हासिल करना है और उलूम हासिल करके आप हैवानात से मुमताज हैसियत इख्तियार कर लेते हैं तो परिंदों में भी ऐसा ऐसा इल्म पाया जाता है कि इंसान तो वहां तक उसकी रसाई ही नहीं होती। अगर आप मखलूक से मुमताज इसलिए हैं कि आप बातें करते हैं, आप बातों को समझते हैं तो ये भी कोई इम्तियाज की बात इसलिए नहीं है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में आपने पढ़ा होगा कि खुद जो दरबार में हाजिर रहता था
جب دربار میں غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حدود کو کئی دن سے غیر حاضر دیکھ رہا ہوں. اس نے حاضر ہونے کے بعد اگر اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجوہات بیان نہیں کی تو میں اسے ذبح کروں گا. ابھی وہی بات فرما رہے تھے کہ حضور دربار میں حاضر ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی باسپوس پر اس نے ایک عجیب کہانی سنائی کہ صاحب آپ کی سلطنت میں آپ کو اللہ نے ایسی سلطنت دی کہ ہوا پہ بھی آپ کی حکومت ہے, پانی پہ بھی آپ کی حکومت ہے, پرندوں چرندوں درندوں حشرات الارض پر بھی آپ کی حکومت ہے, اور آپ کی سلطنت میں ایک ایسی خاتون ہے جو سورج پرست ہے اور اس کا نام بلقیس ہے, اور وہ ایسی خوبصورت ہے اور ایسی دنیا میں حسین و جمیل عورت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کو حدود کو دے کر فرمایا کہ یہ خط لے جا اور اس کے جواب لے کے آ, تب تیری غیر حاضری کو معاف کیا جائے گا. حدود نے وہ خط چونچ میں پکڑا, بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور منڈیر پر بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ بلقیس کمرے سے باہر آئے. جیسے ہی ملکہ سبا بلقیس وہ مجھے پہچانے, اور پہچاننے کا قصہ پورا ہوتا ہے جب آپ اپنی حیثیت کا تعین کریں. ابھی تو انسان نے لاکھوں سال ہو گئے ہیں, ابھی تو انسان کو اپنی حیثیت کہیں علم نہیں ہوا. ہر آدمی کہتا ہے کہ جی انسان تو خلافت کا مقصد تو یہ ہے کہ اس ہستی کے اختیارات استعمال کیے جائیں جس ہستی کا نائب اور خلیفہ ہے. اب ہم زبانی طور پر تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ انسان نائب اور خلیفہ ہے, اللہ کا نائب ہے, وہ خلیفہ ہے, اور فرشتوں نے یہ کہا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اسے ملعون قرار دے دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے پورے اسماء سکھا دیے. بھئی کیا اسماء سکھا دیے؟ ان کا صاحب یہ بتا دیا, یہ بکری ہے, یہ بھیڑ ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ پانی ہے, یہ درخت ہے, یہ کیکر ہے, یہ گولر ہے, یہ امرود ہے. کس کا نیابت سے کیا تعلق ہے؟ پھر نام سکھا دیے, وہ علم آدم الاسماء کلھا, اللہ تعالی نے اپنے نام سکھا دیے. بھی کیا نام سکھا دیے؟ کہ یہ بتا دیا کہ زمین پر اس کا نام کیکر ہے, اس کا نام گولر ہے, اس کا نام امرود ہے. اس کا نیابت و خلافت سے کیا تعلق ہوا بھائی؟ یا منشا پورا ہو گیا نیابت و خلافت؟ نیابت و خلافت کا منشا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخلیقی اختیارات کو آپ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ فرمایا احسن الخالقین, اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے, تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تخلیق کرتے ہیں وہ تخلیق کا علم اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نائب کے انسان کو بھی سکھا دیا ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کوئی تخلیق کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے اور اختیار بھی عطا کیا ہے.
और जो बंदे अल्लाह ताला के इंसान बंदे इस वक्त जो मौजूद हैं वो अल्लाह ताला के दिए हुए तख्लीकी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। निजाम अपनी जगह कायम है, आप हुक्मरानी का जो मनसब है उन मनसब को हासिल करें या ना करें, आप हुक्मरान तबके से निकलकर जिल्लत और खारी की जिंदगी इख्तियार करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने कानून बना दिया कि इंसान अल्लाह का नाज़िर, इन्नी जाइरुन फिल अर्द खलीफा। जब यह कानून बन गया तो आज भी अल्लाह ताला की नायब की हैसियत से इंसान ही काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला की हाकमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उस हाकिम में कुल ने निजाम ऐसा बनाया कि उसकी नियामत और फराइज की अंजाम भी इंसान करते हैं और फरिश्ते इंसानों के कारिंदे हैं, क्लर्क हैं, जो भी कुछ कह लीजिए, मुआविन है। तो इंसान की पैदाइश का मकसद ये हुआ कि इंसान अल्लाह ताला को जान ले, अल्लाह ताला को पहचान ले। जब इंसान अल्लाह ताला को जान लेगा और पहचान लेगा तो उसे वो उलूम अज खुद हासिल हो जाएंगे जो नियाबत और खिलाफत की उलूम है। जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ जाता ही नहीं, अल्लाह ताला को पहचानने ही नहीं चाहता, देखने ही नहीं चाहता, अपने ऊपर हदबंदियां कायम कर ली गई, साहब हम अल्लाह को कहां देख सकते, अरे भाई अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते, अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम मुझे पहचानो, अगर तुम अल्लाह को देखोगे नहीं तो अल्लाह को पहचानोगे नहीं। अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं तो तुम्हारी जगह जान से ज्यादा करीब हूं, जहां तुम एक हो मैं दूसरा हूं, जहां तुम दो हो मैं तीसरा हूं। क्या किसी एक आदमी को कभी नजर आया कि जहां एक आदमी है वहां दूसरा अल्लाह है? तो नाउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला जो एक बेकार बात कह रहे हैं कि जहां तुम एक हो मैं दूसरा हूं। अलबत्ता इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि अल्लाह ताला जब ये फरमा रहे हैं जहां तुम एक हो मैं वहां दूसरा हूं, हमें अल्लाह ताला की बात का यकीन नहीं। जब अल्लाह ताला ये कहता है वो फी अनफुसिकुम मफलातुश्शुरू, मैं तुम्हारे अंदर हूं तुम मुझे देखते क्यों नहीं हो? नाउज़ुबिल्लाह, हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने कोई किस्सा कहानी हमें सुना दी है। अल्लाह ताला को क्या जरूरत है किस्से कहानी सुनाने? लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जब अल्लाह ताला वो फी अनफुसिकुम मफलातुश्शुरू कहते हैं तो हमें अल्लाह ताला की कई बात पर एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, यकीन नहीं। कोई इंसान जो इस दुनिया में आ गया मरना नहीं चाहता, लेकिन मरता है। बेबसी का आलम यह है कि सांस लेने पर कुदरत नहीं रखता। अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम तो सांस अपनी मर्जी से लेते हैं, भाई सांस अपनी मर्जी से रोककर भी आदमी दिखाए। अगर सांस आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं और सांस के आने जाने में आपकी मर्जी का दखल है तो आप सांस रोककर भी दिखाएं। अगर आप ये कहते हैं खाना मैं अपनी मर्जी से खाता हूं तो भूखे रहकर भी दिखाएं।
अगर आप ये कहते हैं कि जिंदगी मेरी अपनी इख्तियारी है, तो आप सारी जिंदगी जिंदा रहकर कयामत की बोरी समेट कर दिखाए, कहां आपका इख्तियार? न पैदाइश में इख्तियार है, ना मासूमियत का दौर खत्म होने पर इख्तियार है, न जवानी की हिफाजत पे इख्तियार है, न बूढ़ा न होने पे इख्तियार है, न मरने पर इख्तियार है, कहां इख्तियार? लेकिन अगर आप कायनात में हुक्मरानी हासिल कर लेते हैं, फिर आपको अपनी जिंदगी के हर मामले पे इख्तियार हासिल हो जाता है। आप ये नहीं समझिए कि जो पैगंबर होते हैं, आप कह जी इनको ये भी तो विसार करते हैं, ये भी तो इस दुनिया से उस दुनिया में जाते हैं, ये इस दुनिया से उस दुनिया में इसलिए जाते हैं कि इस दुनिया से उनका दिल घबरा जाता है। हुजूर कदर बाबा रहमतुल्लाह ने मुझे एक वाक्य सुना, इनका बहुत दिन जिक्रिया मुल्तानी का, कि बहुत बीमार हो गए, जब किसी इलाज से फायदा नहीं हुआ और वो मरजुल मौत बन गया, घरवाले परेशान थे, तो दरवाजे पर दस्तक हुई, बड़े बेटे बाहर गए, तो उन्होंने देखा एक बड़े बूढ़े खड़े हुए हैं और उन्होंने एक लिफाफा दिया बेटे को कि अपने वालिद साहब को जाके दे दो और उनसे पूछो कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बड़े बेटे ने वो खत बहुत दिन जिक्र मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को दिया, उन्होंने लिफाफा खोला, खत पढ़ा, पढ़ने के बाद ये कहा कि उनसे जाके कहे, लिफाफा खोला, खत पढ़ा, पढ़ने के बाद ये कहा कि उनसे जाके कहे कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आधे घंटे के बाद तशरीफ लाए। वो खत तकिए नीचे रख दिया, जो जरूरी काम थे, वसीयत, कर्जे, उधार, ये वो, बच्चों को समझाया भाई इसको ये देना, उसको ये लेना, उसके बाद बेटे अल्लाह को याद किया और इंतकाल हो गया। तजीज और तकफीन में घर वाले लग गए, कब्रिस्तान आने के बाद बेटे को ख्याल आया, वो बड़े साहब कौन थे, और अब्बा ने उनसे कहा था कि आध घंटे के बाद आना, आधे घंटे के बाद, वो तो आए नहीं, वो क्यों नहीं आए? खत की तलाश हुई, वो खत मिल गया, तो उस खत में लिखा था, बहुत दिन जिक्र मुल्तानी को सलाम, मैं अल्लाह की तरफ से आपके पास हाजिर हुआ हूं, आपका बुलावा आ गया है, मेरे लिए क्या हुक्म है? नीचे लिखा था इज़राइल मलकुल मौत, और ठीक आधे घंटे के बाद वो आए और जनाब ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को ले गए अपने साथ। हुज़ूर ख़ज़र बाबा फरमाते थे कि इंसान इस बात को समझे या ना समझे, चूंकि अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूकात करार दे दिया और ये मस्जूद मलायक हो गया, यानी फरिश्तों ने इसकी हाकमियत को तस्लीम कर लिया है, जब तक कोई इंसान अपनी मर्जी और मंशा से मरने के लिए तैयार नहीं हो जाता, इज़राइल की ये जुरत नहीं है कि उसकी रूह कब्ज़ कर सके। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान अज खुद ये चाहता है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। उन्होंने फरमाया
अगर इज़राइल इंसान को उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया से ले जाए तो इंसान का शर्फ खत्म हो जाएगा। फिर ये मानना पड़े कि मलक उल मौत या इज़राइल अशरफ उल मखलूकात है, इंसान अशरफ उल मखलूकात नहीं। इसके बावजूद कि इंसान अपनी हाकमियत से बेबहरा है, बेखबर है, बेयकीन है, फरिश्ते इसके हुक्म से उदूली नहीं करते, इसके चाय बगैर इसको दुनिया से नहीं ले जाते। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इस जमीन पर इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह ताला की कायनात में हुक्मरानी के फराइज अंजाम दे, और हुक्मरानी के फराइज अंजाम जब देगा तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की नियाबत और खिलाफत उसे हासिल होगी, और जब अल्लाह ताला की नियाबत और खिलाफत हासिल होगी तो उसे अल्लाह ताला का इरफान हासिल होगा। जितने रूहानी सलासिल, जितने पैगंबरान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जितने पैगंबरों के वारिस औलिया अल्लाह हैं, आप उनकी तालीमात का मुताला करें, आप उनकी तर्ज़े फिक्र का मुताला करें, तो आपको एक ही बात नजर आए कि हर पैगंबर में, हर वली अल्लाह ने इंसान को इस तरह मुतवज्जे किया है कि इंसान की एक कायनात में एक हैसियत है, इंसान को अल्लाह ताला ने कायनात में एक एजाज अता किया है, और वो एजाज फिर अर्द खलीफा है। अल्लाह ताला की नियाबत की इख्तियारात इंसान को हासिल है, ये इंसान का एजाज। अगर इंसान इस एजाज को तलाश नहीं करता और मर जाता है तो इंसान की मौत में और हैवान की मौत में हर किस कोई फर्क नहीं। इस एजाज को हासिल करने के लिए, इस एजाज से मुस्तफीज होने के लिए कायनात में हुक्मरान होने की हैसियत को पहचानने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इंसान अपने आप से वाकिफ हो। हम जब मादी वजूद की बात करते हैं तो मादी वजूद तो इंसान और हैवान दोनों में है। जब हम मादी वजूद के तकाजों का तस्करा करते हैं तो मादी वजूद हैवान इंसान दोनों में है। जब हम मौत व हयात का तस्करा करते हैं तो मौत व हयात इंसान और हैवान दोनों में है। जब हम सोने जागने का तस्करा करते हैं तो सोने और जागने का अमल इंसान और हैवानात दोनों में है। इंसान और हैवान में बुनियादी फर्क यह है कि इंसान मादी वजूद से हटकर अपनी असल से वाकिफ होता है। हैवानात को अल्लाह ताला ने यह मता नहीं किया कि वो अपनी असल से वाकिफियत हासिल करे। और इंसान की असल क्या है? इंसान की असल उसकी रूह है। कौन नहीं जानता कि जब तक इस मादी वजूद के अंदर रूह रहती है, मादी वजूद में हरकत होती है, और जब मादी वजूद से रूह अपना ताल्लुक तोड़ लेती है तो मादी वजूद में हरकत खत्म हो जाती है। एक लाश के अलावा वो कुछ भी नहीं रहता।
मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, और इसलिए दोहराता हूँ कि ये मामला ऐसा है कि अगर 50 दफे कहो तो जाके बात समझ में आती है। आपने कभी किसी मुर्दा जिस्म को पानी पीते देखा है? आपने कभी किसी मुर्दा जिस्म को रोटी खाते देखा है? आपने कभी किसी मुर्दा जिस्म की शादी की है? आपने कभी ऐसे जिस्म से औलाद पैदा होते देखी है जिसमें रूह ना हो? आपने कभी किसी मुर्दे को रोते देखा, हंसते देखा है? किसी चीज का गम करते देखा है? क्यों? इसलिए कि मादी वजूद की तो हरकत मुसीबत है जब उसके अंदर रूह है। अगर उसके अंदर रूह नहीं है तो मादी वजूद की हरकत नहीं है। इसके बावजूद कि रोजाना का हमारा तजर्बा है कि मादी वजूद ताबे है रूह के, और जब रूह जिस्म से अपना रिश्ता मुनक़ते करती है तो मादी वजूद की तमाम हरकत सकनात खत्म हो जाती है। फिर भी हम मादी वजूद को ही सब कुछ समझते। क्या आपने कभी देखा है कि एक बच्चा मर गया और आप उसकी स्कूल में दाखिल कराए हो? क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बेहतरीन खाना पकाकर किसी मुर्दे जिस्म के मुंह में डालकर हलक से नीचे उतार दिया हो? कितना भी आप गौर हो, आपकी जिस्म की हर हरकत रूह के ताबे। उंगली हिलाना, पलक झपकना, दौड़ना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, शादी ब्याह, औलाद, रिस्क का हुसूल, मुलाजमत, कारोबार, क्या रूह के बगैर मुमकिन है? फिर आप किस तरह कहते हैं कि ये जिंदगी आपकी मादी वजूद की जिंदगी है? बिल्कुल एक मिसाल तो ऐसी बताओ ना। कई दफे ऐसा होता है कि पैदाइश के सख्त मरहले में मां का इंतकाल हो जाता है। जब तक मां जिंदा है उसका सीना दूध से भरा हुआ है, और जैसे ही रूह ने उस जिस्म से अपना रिश्ता मुनक़ते किया, मां का दूध खुश्क है, बच्चा दूध नहीं चूस सकता। कितनी मिसालें आप देंगे किस तरह आप समझेंगे कि मादी वजूद की कोई हरकत नहीं है? जिंदगी के किसी भी मरहले में, किसी भी मरहले में आप ये साबित नहीं कर सकते कि जिस्मानी या मादी वजूद की हरकत उसकी जाती हरकत है। मादी वजूद की हरकत उसी वक्त है जब तक आपके अंदर आपकी रूह मौजूद है। आपकी असल क्या हुई? आपकी असल मादी वजूद है या रूह है? तो आपने अपने असल को तलाश करने के लिए 80-90 साल की जिंदगी में कभी 10 मिनट भी नहीं लगाए कि भाई हमारी असल क्या है, नकल क्या है? मादी वजूद को हम सब कुछ समझते हैं, मादी वजूद को धोते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बेहतरीन लिबास से इसको मुजैन करते हैं,
लेकिन रूह के बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि उसको भी पाकिस्तान की जरूरत है, उसको भी लिबास की जरूरत है, उसको भी गिजा की जरूरत है। मादी वजूद सब कुछ, जबकि हमारा तजर्बा और मुशाहदा यह है कि मादी वजूद कुछ भी है, मादी वजूद हमेशा रूह की ताब है। हर इंसान के लिए ये एक सवाल है जिसका जवाब देना उसके ऊपर लाजिम है, उसकी मजबूरी है। क्या मादी वजूद असल है? क्या आपके मादी वजूद की हरकत और सकनात असल है? क्या आपका मादी वजूद खाना खाता है, पानी पीता है, सोता है, जागता है, पेशाब पखाना करता है? मादी वजूद के अंदर कभी किसी ने खून दौड़ता हुआ देखा है, महसूस किया है? एक ऐसा वजूद जिसको रूह ने सहारा दिया हुआ है। आप पैर के अंगूठे में सुई चुभे, दिमाग में उसकी चोट महसूस होगी, लेकिन एक मुर्दा जिस्म, उसके जिस्म के आप 20 टुकड़े कर दें, उसकी जुबान से एक आह भी नहीं निकले। अभी ना पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर चीर फाड़ करते, कभी सिस्कारी निकली कोई, कभी उस जिस्म ने ये कहा कि भाई मुझे क्यों चीर फाड़ कर रहे हो? तो किस तरह मादी वजूद आपका असर है? और जब मादी वजूद आपका असर नहीं है, यानी आप मादी वजूद नहीं है, तो आप क्या है? आप क्या है? रूह है। आपकी असल क्या है? रूह है। आपके अंदर हकात और सकनात मुंतकिर करने वाली चीज क्या है? रूह है। आप जब खाना खाते हैं तो मादी वजूद खाना खाता है, ये रूह खाना खाती है। अगर रूह खाना नहीं खाती तो रूह निकलने के बाद मादी वजूद खाना क्यों नहीं खाता? आप पानी पीते हैं, आपकी रूह पानी पीती है? अगर रूह पानी नहीं पीती तो रूह के निकलने के बाद मुर्दा जिस्म पानी क्यों नहीं पीता? कितना भी आप फरार इख्तियार करें, कितना भी आप अपनी जिंदगी से बगावत करें, कितने भी आप अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान करें, आप मजबूर हैं इस बात पर कि मादी वजूद आपका असल नहीं है। मादी वजूद असल नहीं है। मादी वजूद असल नहीं है। मादी वजूद आपका रूह, असली वजूद आपका रूह। कैसी सितम गरीबी है, कितनी जहालत, कितना आजाब है कि इंसान सारी जिंदगी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, दुनिया की तमा और हसद में पड़ा हुआ है, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता कि जब मैं मर जाता हूं तो मेरे अंदर हरकत होती है। तो जब आप अपनी असल से ही फरार आपने इख्तियार कर लिया, जब आपने अपनी नकल को ही असल समझ लिया, जब आपने घटने वाली चीज को बनने वाली चीज मान लिया, जान लिया, तो आप अल्लाह की खुदाई में किस तरह मकाम हासिल कर सकते? मादी वजूद को सब कुछ समझना
मादी वजूद को असल समझना ये इलाही कानून से बगावत है। इसलिए बगावत कि मादी वजूद ताबे रूह के, रूह मादी वजूद की कभी ताबे नहीं हो। इंसान बगावत पर आमादा इंसान, मुसलसल बगावत करने वाला इंसान मुसलसल असल से फरार हासिल करने वाला इंसान, मुसलसल खुद को धोखा देने वाला इंसान कहता है मुझे सुकून हासिल नहीं है, मैं परेशान हूं, मेरी जिंदगी अजाबनाक है, मेरी जिंदगी में मुसलसल शादा नहीं कर, कहीं अमल दखल नजर नहीं आता। जब इंसान खुद को धोखा दे रहा है, जब इंसान खुद से बगावत कर रहा है, जब इंसान अल्लाह ताला से बगावत कर रहा है, उसको सुकून कैसे मिले, वो अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है, सुकून कहां होगा? सुकून वहां होगा जहां अल्लाह होगा। सुकून किन लोगों में होगा? सुकून उन लोगों में होगा जो अल्लाह के दोस्त होंगे। अल्लाह के दोस्त कौन लोग होंगे? जो अपने असल से वाकिफ हो, जो अल्लाह को पहचानते होंगे। सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अपने असल को पहचान लिया, जिसने अपनी रूह को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया, और जिसने अपने रब को पहचान लिया वो रब का दोस्त बन गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्ना औलियाल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्तों को खौफ और गम नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह के दोस्त नहीं होते उनकी जिंदगी में गम और खौफ के अलावा कुछ नहीं। बात समझने की, अल्लाह के दोस्तों को खौफ और गम नहीं होता, यानी जो अल्लाह के दोस्त नहीं होते वो गम और खौफ के अलावा उन्हें सुकून नहीं मिलता। आप जरा गौर फरमाएं कि जन्नत सुकून की जगह है। जन्नत में अल्लाह के दोस्त जाएंगे या दुश्मन जाएंगे? जी, दोस्त की क्या पहचान है? अब हम सारे बैठे हुए, हर आदमी एक मिनट के लिए अपने अंदर झांके, उसको कितना खौफ है, कितना गम है। आगे बढ़ करके झांके, मैं भी झांकता। एक आदमी हाथ उठाए जिसको गम और खौफ है। ये तो छोटा सा मजमा है, 700-800 आदमियों का मजमा होगा। 6 अरब आदमियों से अगर आप यही सवाल करेंगे तो आपको एक आदमी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसके अंदर गम और खौफ नहीं होगा। और जब गम और खौफ होगा फिर क्या होगा? अल्लाह का दोस्त नहीं होगा। और जब अल्लाह का दोस्त नहीं होगा तो जन्नत में कैसे जाएगा? यहां तो सूरत ही है कि आदमी अल्लाह से भी डर रहा है। अल्लाह कहता है मेरे दोस्तों को खौफ और गम नहीं होता। यहां सूरत हाल ये है कि हर आदमी सबसे ज्यादा अल्लाह से डर रहा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो नहीं, अल्लाह की अजमत और जलाल को महसूस करके अल्लाह का अदब करो, अल्लाह का एहतराम करो, और अल्लाह के साथ अदब और एहतराम के साथ अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह डरने की चीज है
तो इस आयत का आप क्या करेंगे, अला इन औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़ून। अल्लाह के दोस्तों को खौफ और गम नहीं होता, और अगर गम और खौफ होता है वो बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अल्लाह की दोस्ती कब होगी, अल्लाह की दोस्ती कब होगी, अल्लाह की दोस्ती उस वक्त होगी जब आप उस चीज को जानेंगे जो आपके अंदर अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाया मैंने इंसान का पुतला बनाया मट्टी से, मैं सलसाल में हमारे मसनून गुंधे हुए गाने से आदम का पुतला बनाया, वो नफख तो फी है मिर रूही, फिर मैंने उस पुतले के अंदर अपनी जान डाल दी। वो पुतला क्या है, पुतला क्या है, मादी वजूद। उस पुतले के अंदर रू क्या है, अल्लाह। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह कि हर इंसान का असल अल्लाह है, हर इंसान का असल अल्लाह। कहने से मकसद ये नहीं है कि नाउज बिल्ला को ये कुफ्र हो गया कि साहब फिर तो इंसान अल्लाह हो गया। देखिए समंदर है, समंदर में से आप एक कतरा ड्रॉप से ले ले वो समंदर नहीं हो सकता, समंदर का कतरा तो वो है लेकिन आप उसे समंदर नहीं कह सकते। इसी तरह जब इंसान के अंदर अल्लाह की रूह या अल्लाह की जान में का एक हिस्सा पाव है जिसकी वजह से तमाम हरकत उस कहना जारी है, तो उसको आप ये तो कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह की जान है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान अल्लाह है। इंसान क्या है, इंसान क्या है, रूह है। रूह ने अपने मुजाहरे के लिए मुख्तलिफ सूरतें बनाई। इस जमीन के ऊपर जो बुकलमोनी आपको नजर आती है, रंगारंग चीजें नजर आती है, क्या इन सबके अंदर रूह नहीं है, सबके अंदर रूह है। लेकिन इंसान एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है कि जो रूह के इल्म से वाकिफ है, अल्लाह ताला ने उसको रूह का इल्म अता किया है, और न सिर्फ रूह का इल्म अता किया है बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह भी बता दिया है पैगंबरों के साथ 1,24,000 पैगंबरों ने, हर पैगंबर ने यह बात इंसान को बताई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, कुन कहा, कायनात की तश्कील हुई, कायनात की तश्कील में फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं और दूसरी तमाम मखलूकात भी। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला को इंसान को अपना नायब और खलीफा बनाना था, तो अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाया अलस्तु रब्बी, रूहों ने अलस्तु रब्बुकुम के जवाब में कालू बड़ा कहा, इस बात का इकरार किया कि जी हां आप हमारे रब हैं। इसमें जरा आप गौर तो करें, अलस्तु रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, ठीक है, चॉइस है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। रूह ने कहा कि जी आप हमारे रब हैं। तो रूह ने कब कहा कि आप हमारे रब हैं,
पहले अल्लाह की आवाज सुनी, फिर अल्लाह को देखा, फिर अल्लाह को देखने के बाद अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया। तो जब आप इसकी समरी बनाएंगे तो ये कहेंगे कि रूह ने अल्लाह को देखा भी है, अल्लाह की आवाज भी सुनी है, और अल्लाह को देखने के बाद अल्लाह की रबूबियत का इकरार भी किया है। अब आप इसको किस तरह कहेंगे कि हमारी रूह अल्लाह की आवाज सुन चुकी है, हमारी रूह अल्लाह को देख चुकी है, हमारी रूह अल्लाह को देखकर, अल्लाह की आवाज सुनकर, अल्लाह को पहचान कर बहसियत खालिक के अल्लाह के रब होने का अहद भी कर चुकी है। रूह क्या है? हमारी असल है, मादी वजूद हमारी असल नहीं है। तो अगर हम अपने असल से वाकिफ हो जाए तो हमारी असल तो अल्लाह की आवाज भी सुन चुकी है, अल्लाह को देख भी चुकी है, अल्लाह की रबूबियत का एहद भी कर चुकी है। और अगर हम मादी वजूद को कितने भी आप दलीलें दे डालें, मादी वजूद आप साबित नहीं कर सकते। कोई आदमी मादी वजूद को अहमियत देकर दहरिया तो हो सकता है, खुदा का मुनकिर तो हो सकता है, लेकिन मादी वजूद को असल साबित नहीं कर सकता। इसलिए कि तजर्बात और मुशाहदात ये बता रहे हैं कि मादी वजूद जो है असल नहीं है। मादी वजूद एक मफूजा है, फिक्शन है। उस मफूजा और फिक्शन को अगर कोई चलाने वाली चीज है आरजी तौर पर, वो असल है। जब हम अपनी रूह से वाकिफ हो जाते हैं, जब हम अपनी असल को ढूंढ लेते हैं यानी अपनी रूह को, तो हमें क्या चीज हासिल होती है? हमें यह चीज हासिल होती है कि हमारी रूह तो अल्लाह को देख चुकी है। लिहाजा जब हम अपनी असल से वाकिफ होंगे तो ऑटोमेटिक हम अल्लाह को जिस तरह अजल में देख चुके हैं, आज भी देखेंगे। जब हम अपनी असल से वाकिफ हो जाएंगे, जिस तरह हम अल्लाह की आवाज असल में सुन चुके हैं, आज भी सुनेंगे। जब हम अपनी असल या अपनी रूह से वाकिफ हो जाएंगे, तो जिस तरह अजल में हमारी रूह ने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया, हम मादी वजूद में रहते हुए अल्लाह की रबूबियत का इकरार करेंगे। और अगर हम मादी वजूद को सब कुछ समझेंगे तो जाहिर है मादी वजूद ने तो अल्लाह को देखा ही नहीं, अल्लाह की आवाज ही नहीं सुनी, अल्लाह की रबूबियत भी इकरार किसने किया? मादी वजूद तो आलम अरवा में नहीं था ना, मादी वजूद तो यहां। आवाज किसने सुनी अल्लाह की? किसकी रूह ने? सबकी रूह ने। आदम कहा? मेरे रूह ने, आपकी रूह ने, इसकी रूह ने, उसकी रूह ने। आदम जात की हर रूह ने अल्लाह की आवाज को सुना, अल्लाह को देखा, अल्लाह की रबूबियत के खिलाफ। तो अगर हम अपने असल से वाकिफ हो जाएंगे तो जाहिर है सबसे पहले हमारी नजर कहां पड़ेगी? अल्लाह के ऊपर पड़ेगी। कान में अल्लाह की आवाज आएगी, अल्लाह को देख के अल्लाह की रबूबियत के इकरार करेंगे। अब जिस बंदे ने अल्लाह को देख लिया, अल्लाह की आवाज सुन ली, अल्लाह की रबूबियत के इकरार कर लिया, वो बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसका मतलब यह कि जब तक इंसान अपनी असल से वाकिफ नहीं होगा, वो गर्म आलाम की जिंदगी बसर करता रहेगा, अदम ताफुस के एहसास में तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसका कोई फसाने हाल नहीं।
मुसलमानों पर बिलखुसूस बिलखुसूस और पूरी नौ इंसानी में बिलरूम ये फर्ज आयद होता है कि वो फिक्शन जिंदगी में रहते हुए असल जिंदगी से वाकिफ हो जाए और असल जिंदगी से वाकफियत का जो तरीका है ये जो कोर्स है जो स्कूल है वो औलिया अल्लाह का कायम करता है। वो यही है कि आपको कंसंट्रेशन हासिल हो। सबसे पहली बात ये कि आपकी प्रैक्टिस में ये बात आए कि मादी वजूद जो है असल नहीं। और उसको आप मिसालों से साबित कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आदमी है उसका दादा पर दादा नाना पर नाना भाई कुछ ना कुछ तो मरा तो जरूर है। हमें भी यकीन है कि हम भी जरूर मरेंगे। तो जो मरने वाली चीज है जो घटने वाली चीज है जो बूढ़े होने वाली चीज है वो असल तो जब वो अपनी रूह से वाकिफ हो जाएंगे तो अल्लाह से वाकिफ हो जाएंगे। और रूह से वाकफियत का जो तरीका है उसके लिए औलिया अल्लाह ने ये सिलसिला कायम किए सोवर्दिया सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला चिश्तिया सिलसिला अजीम यह सिलसिला। अब ये बिल्कुल अलग बात है कि जैसे जैसे मादी वजूद में इंसान का इन्हिमाक ज्यादा हुआ उसी मुनासबत से इंसान का शऊर भी ज्यादा हुआ। अगर इंसान का शऊर बालिग ना हो तो मादी जिंदगी में निमाक पैदा नहीं होता। मादी जिंदगी में निमाक से जब शऊर बालिग हुआ तो अब इंसान उन बातों को आसानी से समझने लगा जो बातें पहले उसकी समझे नहीं आती थी। क्योंकि मादी निमाक ज्यादा होता और मादी निमाक से शऊर का फैलाव ज्यादा होता इसलिए सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हुक्म के मुताबिक सिलसिला अजीम कायम हुआ ताकि मादी शऊर के फैलाव की मुनासबत से इंसान को वो बातें बताई जाए जिनके जरिए वो अपनी असल से अपनी रूह से आसानी के साथ वाकिफ हो जाए और करीब हो जाए। कोई भी चीज सीखने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि आपको यकसुई हो आपका उसके अंदर इनिमाक पैदा हो आपके अंदर जौक और शौक पैदा हो। अगर बच्चे के अंदर जौक शौक पैदा नहीं होगा इनिमाक नहीं होगा तो वो कभी किसी के रास्ते में पास ही नहीं होगा। लेकिन अगर इनिमाक है जौक और शौक है इन सीखने के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं तो 99% इस बात के इम्कान है कि वो बच्चा पास होगा फेल नहीं होगा। ये सूरत हाल रूहानी उलूम का भी है। अगर हमारा इनिमाक मादी वजूद में रहते हुए असल की तलाश में हो गया तो हम असल को ढूंढ लेंगे। इस इन्हिमाक का नाम तसव्वुफ में मुराकबा लिया जाता है। मुराकबे का मतलब है कंसंट्रेशन। मुराकबे का मतलब है ढूंढना। मुराकबे का मतलब है तफक्कुर करना। मुराकबे का मतलब है गहराई में डूब जाना। गहराई में डूब कर वहां से वो चीज निकाल लेना जो चीज मादी वजूद के लिए मुमकिन नहीं है। मुराकबा एक टेक्निक है एक लफ्ज है। मुराकबे का मतलब ये नहीं है कि मुराकबा कोई एक बहुत ही कोई अजीब व गरीब चीज है नाम है। मुराकबे का मतलब है
ذہنی یکسوئی کے ساتھ مادی وجود کو سامنے رکھ کر, اس کے گھٹنے بڑھنے کو سامنے رکھ کر, اس کی فنا کو سامنے رکھ کر اور آپ اصل کو تلاش کریں. یہ اصل کی تلاش ہی بڑھاتا ہے. سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وصف ہے, اعزاز ہے. سلسلہ عالیہ عظیمیہ نے تھیوریٹیکل پریکٹیکل دونوں نو انسانی کو اس پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ مادی وجود کو, فکشن وجود کو اصل نہ سمجھے اور اصل کی تلاش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اصل کو تلاش کریں. اور آپ یاد رکھیں, اگر اصل کو آپ نے تلاش نہیں کیا, سکون آپ کو نہیں, آپ کے پاس انبار لگ جائیں دولت, سکون نہیں. آپ کے پاس دولت کے انبار ہو, آپ اپنی اصل سے واقف ہو, دولت آپ کو کچھ نہیں بگاڑے گی. آپ کے پاس کم دولت ہو, آپ روح سے واقف ہو, کم دولت سے کبھی آپ بے سکون نہیں ہوں. خوشی اندر ہے, باہر نہیں ہے. سکون اندر ہے, باہر نہیں ہے. سکون آپ کی روح میں ہے, مادی وجود میں نہیں ہے. اگر سکون حاصل کرنا ہے, اگر زندگی کو کانٹوں کی سیج نہیں بنانا ہے, تو پوری نو انسانی کو اس طرف آنا پڑے گا کہ اصل وجود مادی وجود نہیں ہے, اصل وجود روح. آپ سب حضرات نے بہت غور سے یہ باتیں سنی. اب میں سننے کی حد تک اس بات کو نہ رکھیے گا. میرا خیال ہے جہاں جتنے بھی لوگ ہیں, میری ایک ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے جو میں خصوصاً جب میرے سلسلے کے بچے میرے سامنے ہوتے ہیں, ایک عام مجمع میں مجھے جب بولنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں زیادہ تر میں ادھر کی دلیل ادھر کی دلیلیں دیتا رہتا ہوں, لیکن جب یہ میرے بچے میرے سامنے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ مجھے میرے مرشد نے جس طرح تعلیمات دی ہیں اور ان تعلیمات کے دوران جس طرح وہ تصرف میرے اوپر فرماتے تھے کہ وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں, تو میں بھی ہمیشہ اس قسم کی اجتماعات میں جہاں عظیمی لوگ کو بھی تعداد زیادہ ہوتی ہے, جو مجھے سکھایا گیا ہے, میں بولنے کے ساتھ ساتھ تصرف کو بھی تھوڑا سا استعمال کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک بات کو کئی کئی طرح بیان کرتا ہوں, اس سے بھی میرا یہی منشا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن نشین بات ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اصل وجود مادی وجود نہیں ہے, اصل وجود روح ہے. مہربانی کر کے جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ مادی وجود اصل نہیں ہے, روح اصل وجود ہے, وہ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ آج کا یہ پروگرام کامیاب رہا. اللہ تعالی مجھے ہمت دے کہ مجھے میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ سکھایا وہ میں ذہنی سکت کے مطابق اپنی بھی اور آپ کی بھی
आपके सामने पेश करता रहूं, आपको बताता रहूं, आपको सिखाता रहूं। मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं भी अमल करूं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि आप भी अमल करें। इन गुजारिशात के बाद जैसे ये दस्तूर है कि आदमी जब खुश होता है तो इजहार खुशनूदी के लिए कुछ अल्फाज ऐसे बोलता है जो इजहार तशक्कुर के लिए अदा किए जाते हैं। आप समझदार सर्दी के मौसम में अपना कारोबार छोड़कर बीवी बच्चों की रिफाकत से दूर होकर दूर दराज सफर करके यहां तशरीफ लाए, मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे आपने इज्जत अता की, इसके लिए मैं आप सब हजरात का इंतहाई शुक्रगुजार हूं। मैं जब आपको देखता हूं तो मेरे अंदर एक जज्बा आजकल बार बार ये उभरता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, और जब बुढ़ापे का ख्याल आता है तो लाजमन आदमी के जहन में ये बात आती है कि अब सफर मुख्तसर रह गया है। लेकिन जब आप हजरात के हंसते खेलते मासूम चेहरे मेरे सामने आते हैं, आप सब हजरात को प्यार और मोहब्बत के साथ खुलूस और यगानेकत के साथ ईसार के साथ मोहब्बत के साथ अकूबत और भाईचारे के साथ जब आपस में बैठे हुए देखता हूं, चलते फिरते देखता हूं, बातें करते देखता हूं, तो मुझे अपने जो बुढ़ापे का ख्याल उससे मैं दूर हो जाता हूं। आप ये कहिए कि आप लोगों को इज्तमाही तौर पर खुश देखकर, बहन भाइयों को इकट्ठा देखकर, मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी में इजाफा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप इसी तरह अपने मरकज को अपना वक्त देते रहें, मरकज को मजबूत बनाते रहें। मरकज के बगैर कोई तंजीम कामयाब नहीं होती, मरकज के बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अब देखिए इस्लाम के लिए सबसे बड़ा मरकज मक्का मक्का शरीफ और मदीने मुनव्वरा है। इस्लाम मरकज से फैला और आज भी इस्लाम मरकज के साथ कायम है। अल्लाह का और मखलूक का रिश्ता तौहीद का रिश्ता है। अल्लाह ताला के साथ तौहीद का क़याम भी एक मरकज है। अल्लाह ताला ने आपको अपने लिए मुंतखब कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सिलसिले की दाग बेल डाली है सलाम के हुक्म से, हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने जो सिलसिला कायम किया है, क्योंकि सिलसिला नया नया है तो आज के हम जितने भी लोग हैं वो दरअसल सिलसिले के सुतून हैं।
आइंदा सिलसिले की इमारत इन सुतूनों पर खड़ी होगी। हमें चाहिए कि हम वैसे सुतून के इतने मजबूत हों कि इन सुतूनों के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हो वो लाखों साल भी अगर कायम रहे तो उसमें दरार ना पड़े। और इसका एक ही तरीका है कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए इशार करे, हर इंसान के अंदर दूसरे इंसान की खिदमत का जज्बा हो, हर इंसान खुसूसन अजीमी इंसान किसी से तवक्को कायम ना करे लेकिन खुद हर दूसरे आदमी के लिए काम आने के लिए तैयार रहे। वो ये ना चाहे कि कोई मेरे काम आए, वो ये चाहे कि मैं किसी के किस तरह काम आ सकता हूं। यही हमारे सिलसिले की तालीमात है और अगर हमने इन तालीमात पर अमल किया तो इंशाल्लाह हम इस दुनिया में भी सुरखुरू होंगे। एक वक्त आएगा कि हम अपनी असल से भी वाकिफ हो जाएंगे, सैयदना हुज़रत-ए-सलाम के दरबार में भी हमें सुरखुरू हासिल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की दोस्ती का शर्फ भी हमें हासिल होगा और एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला के दोस्त की हैसियत से हमारे ऊपर से गम और खौफ के साए खत्म हो, हम पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप खुद किसी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर गुजरे, किसी दूसरे से कोई तवक्को न करें। जब हर आदमी ये सोचेगा कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर गुजरूं तो तवक्को का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। जब हर आदमी ये सोचेगा मैं अपने भाई के काम आ जाऊं फिर आपको किसी से तवक्को कायम करने की जरूरत ही पेश नहीं। इसके बाद इस साल हमने आपके लिए अपने बिसात के मुताबिक इंतजाम किए थे कि आपको हम जितना भी आराम पहुंचा सकें आराम पहुंचाएं। और आपको ये सुनकर बड़ी मुसर्रत आमेज हैरत होगी कि मरकजी मुराकबा हाल के कारकुनान आपके भाई जनवरी के उसके बाद मार्च से इस बात की तैयारियां शुरू कर देते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ शहरों से हमारे जो भाई यहाँ तशरीफ लाएंगे वो हमारे मुर्शिद करीम हुज़ूर क़लंदर बाब औलिया के मेहमान हैं। हम 8-9 महीने मुसलसल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे मेहमान गिरामी जब यहाँ तशरीफ लाएं तो यहाँ के माहौल से मरकजी मुराकबा हाल के कारकुनान से यहाँ की फिजा से उन्हें मुसर्रत और खुशी हासिल हो। यकीनन आप हजरात के सामने ये बात है कि हर साल इन अजीमी आपके अजीमी बहन भाइयों की इन कोशिशों से आपको मरकजी मुराकबा हाल में खुशी और मुसर्रत का ज्यादा एहसास होता है। जैसे इस मरतबा आपने फूल देखे, पिछले साल आपने सफाई देखी जो अभी तक कायम है, इस साल आपने लंगर का जो इंतजाम है पिछले साल के मुकाबले में यकीनन बेहतर पाया होगा।
हम सब की जद्दोजहद और कोशिश ये है कि हुजूर कंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान यहाँ जब आए तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा सुकून मुंतकिल कर सके, ज्यादा ज्यादा उन्हें खुश कर सके। इस मरतबा कुदरत का करना ऐसा हुआ कि बारिश हो गई, बारिश में आप हजरात को थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन इस तकलीफ के साथ साथ मुझे आपको और कारकुनान ने मरकजी मुराद पहाड़ को जो तजर्बा हुआ वो बहुत खुशायन तजर्बा है। वो ये कि 700-800 आदमियों ने बारिश की सुबत को तकलीफ नहीं समझा, तकलीफ नहीं जाना। आप हजरात ने बिस्तरे भी उठाए, आपके पैरों से गीली मिट्टी भी लगी, मस्जिद के ठंडे फर्श पर आपको लेटना भी पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आपके यहां आने का मकसद दुनियादारी नहीं था, आपके यहां आने का मकसद आपके जहन में यह था कि मुर्शिद की खुशी हासिल हो, कलंदर बाबा और रहमतुल्लाह अलैह के फैज से, रूहानी फैज से हम लोग मुस्तफीज हो, इसलिए इस तकलीफ को आपने तकलीफ नहीं जाना। और किसी भी सूरत से हमें इस बात की कोई इत्तला नहीं मिली कि अजीमी बहन भाइयों ने उसमें ज़ईस भी है, जवान भी है, बीमार भी है, कोई शिकवा किया हो। आपके इस तर्ज़ अमल से हमें ये एहसास हुआ, हमें ये तजर्बा हुआ, इस तजर्बे की बुनियाद पर हमारे अंदर यकीन मुस्तहकम हुआ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने जिस तंजीम की इब्तदा की थी उस तंजीम में एतमाद पैदा हो गया। उस तंजीम के लोगों में कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो गई, उस तंजीम के कारकुनान में सब्र बर्दाश्त पैदा हो गई। और बिना मुबालगा ये बात मेरे लिए, आपके लिए और सिलसिले के तमाम बड़ों के लिए बहुत ही खुशायंद है और बहुत ही बड़ी बात है। मैं समझता हूं अगर ये बारिश ना होती तो हमें इतना बड़ा तजर्बा ना होता, और जब हमें इतना बड़ा तजर्बा ना होता तो हमें इतनी बड़ी खुशी भी ना होती। मुझे ख्याल आता है कि बारिश आई और थोड़ी देर के बाद जब हम तितर बितर हो गए, इधर से उधर हो गए, बादल निकल गए और आसमान नजर आने लगा, तो इसका एक सबब यह भी हो सकता है कि कुदरत हमारी तंजीम में बारिश की शक्ल में अपनी रहमत शामिल करना चाहती थी। और बिना शुबा इस रहमत का आप सबने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने बहुत शानदार मुजाहरा किया। हम सब बहुत खुश हैं और आपके शुक्रगुजार हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वाला। दूसरी बात ये कि अभी हमने नूर आलम साहब को आपके सामने पेश किया था फूलों के सिलसिले में, शौकत भाई को हमने बिजली के सिलसिले में आपको पेश किया। ये एक इजाफी खुशी थी हमारी, क्योंकि फूल और बिजली एक मजाहरात शक्ल सूरत में हमारे सामने आई और उसको लोगों ने बहुत महसूस किया, बहुत खुश हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे दूसरे कारकुनान इनसे पीछे, हमारे बिस्तर कमेटी के लोग, बर्तन धोने वाले लोग, सफाई वाले लोग, आपने देखा कि बारिश में ये फर्श इतना ठंडा हो गया था कि लगता था बर्फ की सीने पड़ी हुई है, लेकिन हमारी सफाई कमेटी के लोगों ने 5-6 मरतबा सड़कों से पानी हटाया, मुराक बहार का पानी हटाया, और उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि बारिश की वजह से कीचड़ हो गया हो। उन्होंने अपनी अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल की। इसी सूरत से हमारे जो बर्तन धोने वाले भाई हैं, इस मरतबा का तो अभी हमारे सामने फिगर नहीं आए, लेकिन पिछले साल के फिगर हमारे सामने ये है कि हमारे मेहमानों ने ग्रामी जब तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने हमें उनकी मेजबानी का शर्फ अता किया, उस सिलसिले में जो उन्होंने प्लेटें धोई हैं, पिछले साल उनकी तादाद 18,000 थी। ये मेरे ऐसे होनहार बच्चे हैं कि जो सारी सारी रात बैठकर सर्दी में इन्होंने बर्तन धोए, प्लेटें धोई, डोंगे धोए, दस्तरखान लगाए। ये सब आपके लिए, मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है, इसलिए कि हम सब एक हैं। आपके भाइयों ने आपकी मेजबानी का हक पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन अगर आपकी मेजबानी में कोई फर्क रह गया हो तो हम सब कारकुनान मरकजी मुराकबा हाल आपसे निहायत मुअद्दबाना माजरत चाहते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे, रौनक कायम रहे, इसमें इजाफा होता रहे, हम आपकी खिदमत करते रहें, आप हमारा दीदार